यहाँ पे अपने पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या है कि लेट ए बी सी बी दी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन है और ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो अपन को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस बतानी है। तो देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पूरा देखना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2i दे रखा है, तो यहाँ से अगर तुम ये निकालने की कोशिश करोगे तो माइनस ऑफ 8 आएगा। इससे सब एग्री करेंगे मेरे से। उसके बाद देखे तो अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ 2c + 2i जो माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, इसको मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करके 2i लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो ये अपन को 32 दे रखा है। तो ये क्या ध्यान रखो, ये ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 2³ बाहर आएगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ c+i हो जाएगा इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से अपन को पास डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आ गया, तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ, है ना, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट चेक करें तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2i है, तो जो ए की पावर 4 होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास 4 4i, आई स्क्वायर तो आई होता, तो 4i हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की पावर 5 को मैं ए की पावर 4 × a लिखता हूँ, तो ये मेरे पास 4i × a, तो 4a ही हो जाएगा। तो अपन को इस वाली कंडीशन का यूज करना है, ए स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा मतलब अगर तुम करोगे सिंप्लीफाई, तो ये इस फॉर्म में आएगा 4a + 4ac + यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस का यूज करता है, तो अपने पास यहाँ पे क्या आया, माइनस ऑफ 2b and -2bc इज इक्वल टू 0 आया। तो नेक्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या आया, इधर लिख देता हूँ 4a + 4ac and -2b and -2bc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4a कॉमन लेने के बाद i प्लस सी बचने वाला है, और यहाँ से -2b i + c इज इक्वल टू 0 बचने वाला है। तो i + c यहाँ पे 4a - 2b आ रहा है। अब तुम देख सकते हो यहाँ से जो i + c है उसका अपन ने यहाँ पे निकाला था डिटरमिनेंट 4 आया था, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। तो मीन्स क्या होगा कि जो इसका डिटरमिनेंट है, तो सबसे पहली बात नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैं i + c के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर तो 4a - 2b बचेगा और इधर तो फिर 0 ही आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 4a = 2b, तो यानी मेरे पास a = 2b आ गया। तो ये वाली कंडीशन आ गई, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी, अब अपन को पूछा क्या था, ये वाली चीज पूछी थी, इसका डिटर्मिनेंट b - a का होल स्क्वायर। तो उसको देखते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, 4a - 2b हो, तो अपन को इस कंडीशन से पता ही, अपन को पूछा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ b - a इस चीज का अपन को होल स्क्वायर पूछा था यहाँ पे। तो b - a की जगह क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट b की जगह में, यहाँ पे वो a की जगह में 2b पुट कर देता हूँ यहाँ से, वो सॉरी ये गलत आया था, ये 2a = b आएगा ये कंडीशन। तो यहाँ पे 2a = b आएगा, तो 2a = b आएगा, तो यहाँ पे b की जगह पुट कर देता हूँ मैं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a बनेगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a तो अपन ने निकाला था शुरू में, अपने पास कितना आया था, ये इसके डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर अपन ने निकाला था, तो अपने पास -8 आया था, तो अपना आंसर -8 आ जाएगा। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, मिलते हैं यहाँ पे बाद में।